गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मलाइजेशन रिएक्शन देखी थी गॉटरमैन सिंथेसिस. अब आगे एक और मेथड है जिससे फॉर्मलाइजेशन कराया जा सकता है, वो है राइमर टीमोन रिएक्शन. तो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है. तो रिएक्शन देखिए, फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो बेस की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, एक कम क्वांटिटी में बनता है. इसके मैकेनिज्म देखिए, तो सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म क्या करता है, एच प्लस डोनेट करता है. तो एच प्लस डोनेट करने के बाद H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है और आपका CCl3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. अब CCl3 माइनस में आ गया तो उसके बाद क्या होता है, Cl माइनस बाहर निकलता है. जैसे ही Cl एक Cl माइनस चार्ज को लेके बाहर निकलता है तो यहाँ पर जो आपका बनता है वो बनता है CCl2. ये डाइक्लोरोकार्बीन होती है जो यहाँ पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है. अब डाइक्लोरोकार्बीन पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ये स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो होती है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती है और पॉजिटिव वाले स्पीशीज़ भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया. सबसे पहले फिनॉल, जो कि बेस अपन ने यहाँ पर मीडियम लिया है तो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना ही है, तो फिनॉक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पर इसने अटैक किया. तो जब इसने नेगेटिव चार्ज को लिया तो CCl2 तो माइनस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने कार्बन के नेगेटिव चार्ज को ले लिया. और H ने क्या किया, अपने बॉन्ड पेयर को बेंजीन में दे दिया ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे और H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल गया. अब जैसे ही ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकला, CCl2 माइनस ने क्या किया, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है और H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एडक्ट बनाया. इसके बाद यहाँ पर जो बेस अपन ने लिया है OH माइनस, वो क्या करेगा, OH माइनस कार्बन पर बैक साइड अटैक करेगा और एक Cl माइनस को बाहर निकाल देगा. तो जब वो एक Cl माइनस को बाहर निकालेगा तो उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में OH क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को देगा और Cl माइनस को बाहर निकाल देगा क्योंकि लोन पेयर भी बैक साइड अटैक कर सकते हैं. जैसे ही इसने Cl माइनस को बाहर निकाला और ऑक्सीजन ने जब खुद के लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए H प्लस को बाहर निकालेगा. और जब ये H प्लस को बाहर निकालता है तो ये H प्लस जो फिनॉक्साइड का O माइनस है वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. इसी तरह से सेम रिएक्शन किस में फॉलो होगी, पैरा प्रोडक्ट भी इसी तरीके से बनेगा. अब है कार्बोक्सिलेशन. तो कार्बोक्सिलेशन की पहली रिएक्शन है कॉल्बी श्मिट रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो क्या करेगा, फिनॉल सबसे पहले सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और ये सोडियम सॉल्ट क्या करेगा, ये मैकेनिज्म देखिए. सोडियम सॉल्ट क्या करा, ऑक्सीजन ओ माइनस फिनॉक्साइड का किस पे अटैक किया, कार्बन पर. तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड जो है वो ओ माइनस में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद बेंजीन की एरोमेटिसिटी को वापस मेंटेन करने के लिए H प्लस निकला बाहर और जैसे ही H प्लस निकला उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, सैलिसिलेट आयन के ओ माइनस ने, और क्या बना लिया, सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट बना लिया. दूसरी रिएक्शन है राइमर टीमोन रिएक्शन. तो इसमें क्या करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं NaOH और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से. तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा, लेकिन रिएक्शन कैसे होगी इसकी मैकेनिज्म देखिए. सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में. तो फिनॉक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पर जो नेगेटिव आएगा वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर अटैक करेगा. जैसे उसने अटैक किया तो एक सी एल बैकसाइड अटैक की वजह से बाहर हो जाएगा. अब यहाँ पर एच क्या करेगा, अपने बॉन्ड पेयर को बेंजीन रिंग में दे देगा क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है और वापस से ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा. और जब वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो ओ पर माइनस आते ही एच प्लस क्या करेगा, ओ माइनस एक्सेप्ट कर लेगा. अब फिर से ओ एच माइनस क्या करेगा, OH- यहाँ पे क्या करेगा,
बैक साइड अटैक करेगा तो एक सीएल बाहर हो जाएगा आपका, और ऑक्सीजन सीएल बाहर होने के बाद ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर से जाएंगे और फिर से बैक साइड अटैक के थ्रू एक और सीएल को बाहर कर देंगे, तो आपका क्या बन गया, ओ माइनस सी ओ सी एल बन गया। अब फिर से क्या होगा, ओ एच माइनस फिर से बैक साइड अटैक करेगा, एक बचे हुए सी एल को भी बाहर कर देगा। तो बाहर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एच प्लस निकला वो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको एसिडिफाई करके सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे। दिस इज़ द प्रोडक्ट। अब है हॉबेनहॉश रिएक्शन, तो इसमें भी फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल साइनाइड से और हाइड्रोजन क्लोराइड से, और यहाँ पे लुईस एसिड जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जिंक क्लोराइड। तो देखिए मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे अपन, तो नाइट्रोजन पर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में से कार्बन एक बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव पर अपन क्या करेंगे एच प्लस का अटैक करवा देंगे, तो आपका इमिडो प्रोफाइल इमिडो फॉर्माइल टाइप कुछ एडक्ट बनेगा। अगले स्टेप में जिंक क्लोराइड क्या करेगा, हेलोजन एक्सेप्टर है सीएल को ले लेगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे की जो रिएक्शन होगी वो अपन ने इससे पहले भी देखी थी, जहाँ पर अपन ने इसी तरह से इमिडो फॉर्माइल बनाया था और अटैक करवाने के बाद अपना प्रोडक्ट बना था, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। लेड अगली रिएक्शन है लेडरर मैनेसे रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, फिनॉल का कंडेंसेशन करवाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्किली, और प्रोडक्ट क्या बनते हैं अपने, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल माइनर प्रोडक्ट होता है। तो देखो जहाँ पर भी पैरा मेजर बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, जब ऑर्थो पर दो ग्रुप पास पास आते हैं तो उनके बीच में स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है, तो स्टेरिंग हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो मैकेनिज्म देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड की प्रेजेंस में भी होती है और बेस की प्रेजेंस में भी होती है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पर एच प्लस का अटैक करवाते हैं, तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करके आपका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। अब सिंपल रिएक्शन हो रही है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इसने सिंपल से अटैक करवा दिया CH2OH प्लस का ऑर्थो पोजिशन पर और आपका प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। अब देखिए पैरा पर इसी तरह की मैकेनिज्म एसिड की प्रेजेंस में पैरा पर भी होगी, सेम मैकेनिज्म चलेगी। अब है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो एल्कली की प्रेजेंस में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में, तो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, फिनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के थ्रू देगा, जैसे ही वो देगा तो रेजोनेंस के थ्रू देने के बाद उसकी ऑर्थो वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा, जैसे ही वो कार्बन पर अटैक किया कार्बन डबल बॉन्ड ओ के बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए ये एच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन में डोनेट करेगा और आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर अपन एक्सिस में लेते हैं बेंजाल्डिहाइड तो ऑर्थो पैरा और दोनों ऑर्थो इस पर अपना बेंजाइल एल्कोहल फॉर्मेशन होगा, और अगर फिनॉल एक्सिस में लेते हैं तो आपका रिएक्शन कैसे होगी, इसका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। अगली रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट, देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, तो इसके लिए थर्मल कंडीशन चाहिए होती है, थर्मल कंडीशन में ये शो करती है, तो इसमें जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो लिया जाता है आपका अलाइल अराइल ईथर, ये जो आपका रिएक्टेंट है इसमें एक तो अराइल ग्रुप है एरोमेटिक ग्रुप है और एक अलाइलिक ग्रुप है और एक ईथर है, तो इसमें रिएक्टेंट ये लेते हैं और प्रोडक्ट आपका बनता है ऑर्थो अलाइल फिनॉल। अगर ऑर्थो पोजिशन एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो दूसरी वाली ऑर्थो पर अटैक होगा, और अगर दोनों ऑर्थो पर ही कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
पैरा अलाइल फिनॉल। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, सिंपल, इसमें कोई मैकेनिज्म, कोई रिएजेंट अटैक इलेक्ट्रोफाइल काम में नहीं लेते हैं, ये सिंपल थर्मल कंडीशन में होती है और बॉन्ड के माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इधर जब ऑर्थो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बॉन्ड, सबसे पहले जो बॉन्ड है एलाइलिक ग्रुप का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, फिर ऑक्सीजन कार्बन वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो एलाइलिक ग्रुप के कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट फिनॉल। अब अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ईथर एंड इपॉक्साइड। थैंक यू।